पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने हैं। कभी उनका बयान आता है कि इस प्रदेश में अगली बार चार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी बयान आता है कि महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी, और कभी बयान आता है कि अगर उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री अगर नहीं बन पाया जाट, तो उप मुख्यमंत्री जाट जरूर बनेगा। इन तमाम बयानों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। शर्मा जी, ये बयान जो आ रहे हैं हुड्डा साहब के, इन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा देखो पुराने राजनीतिक हैं, पुराना परिवार है और कई बार सांसद रहे हैं और दो बार हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह का बयान आना एक पूर्व मुख्यमंत्री का, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है कि चार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी महिला की बात करता है, कभी कहता उप मुख्यमंत्री जाट बनेगा, इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं। यह हताश है, निराशा है। इतना सब कुछ आदमी जब सब कुछ हार जाता फिर इस तरह के बयान आदमी करता है। और इस तरह के जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र ना तो प्रदेश अध्यक्ष है ना संगठन में है, और भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन तय करता है कौन विधायक है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और विधायक दल के नेता बनेगा, वो भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है, चुनाव तय नहीं हुए, विधायक नहीं, अभी चुनाव लेना देना नहीं। इस तरह के बयान आना प्रदेश के लिए, जातिगत की राजनीति करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की बात तो हमने कर ली, आप ये बताएं कि ये वीरेंद्र सिंह जो है काफी कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो आपके गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देना चाहिए वरना वो बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। किस तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी देख रही है? वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पुराने नेता हैं, सांसद रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में केंद्र मंत्री रहे हैं। वो इसलिए क्या है कि उनको क्या है कि उनकी एक सीट है, लोकसभा की सीट है, ब्रजेश जी वहां से सांसद हैं, माँ उनकी उचारा से है, तो दोनों सीटों पर बात है। दोनों पहले विधायक रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखो संगठन तय कर, संगठन भरोसा रखना चाहिए और चौधरी वीरेंद्र जी को भरोसा रखना चाहिए कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है और संगठन जो तय करता होगा। तो ये कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कम से कम एक चीज दिखाते हैं कि वो हताशा से भर गए हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि संगठन जो तय करेगा वो उनके हित में भी होगा और प्रदेश के हित में भी होगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।